वॉट इज़ स्क्रब? स्क्रब क्या है? जब आप स्क्रब यूज़ करते हैं, स्क्रब कई किस्म के होते हैं, आपको बताऊंगी भी। जब आप स्क्रब यूज़ करते हैं तो आपकी स्किन के अंदर जितने भी ऑयल होता है, जितना भी डस्ट होता है आपके पोर्स में, वो सारा रिमूव हो जाता है। स्क्रब हफ्ते में एक या दो दफ़ा या तीन दफ़ा करना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे बड़ा फ़ायदा, एक्ने आपकी कम होगी। सेकंड थिंग, आपके जो चेहरे के ऊपर एजिंग इफेक्ट आ जाते हैं, एजिंग साइन आ जाते हैं, वो कम हो गए। इससे सन ब्लॉक भी यूज़ ना करें तो एजिंग साइन आपके फेस के ऊपर आ जाते हैं, तो सन ब्लॉक भी ज़रूर यूज़ किया करें, ठीक है? उससे आपको क्या होता है कि एजिंग साइन नहीं आते, स्क्रब करने से भी रिड्यूस होते हैं एजिंग साइन, लाइन्स, फाइन लाइन्स, रिंकल्स वगैरह रिमूव हो जाते हैं, डेड सेल्स को रिमूव करते हैं आपकी स्किन से, और आपकी स्किन बिल्कुल हेल्दी और शाइन करती है आपकी स्किन जब आपको स्किन से डेड सेल्स रिमूव हो जाएंगे। सबसे पहले जो मैं आपको स्क्रब बताऊँगी वो है जी बेसन वाला स्क्रब। इसमें आपने एक चम्मच बेसन ले लेना है, एक चम्मच मिल्क ले लेना है और थोड़ी सी हल्दी ले लेनी है आपने। बेसन जो होता है, बेसन के बहुत ज़्यादा फायदे हैं। फर्स्ट इसका ये है कि एक एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज इसमें होती हैं, ठीक है जी। सेकंड थिंग के ये जो आपके फेस के ऊपर फाइन लाइंस होती हैं, रिंकल्स होते हैं, उनको रिड्यूस करता है। थर्ड थिंग, आपके फेस के ऊपर जितने भी ब्लैक हेड्स होते हैं, वाइट हेड्स होते हैं, ये बहुत से लोगों का मसला होता है, वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स, उसको ये रिमूव करता है, ठीक है, रिड्यूस करता है। मतलब उससे आपकी जान छूट जाएगी अगर आप इसको स्क्रब करोगे इससे। तो आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, फिर आपने अपने फेस के ऊपर लगाना है, सर्कुलर मोशन में स्क्रब करना है आपने, ठीक है। आपने इसको लगाना है तो जैसे मैंने हाथ पे मैं लगा के बता रही हूँ, आपने फेस के ऊपर इस तरह लगाना है, सर्कुलर मोशन में करना है आपने। तकरीबन 5 मिनट तक करना है स्क्रब, 15 से 15 मिनट तक छोड़ देना है। फिर आपने अपने फेस को हाथ थोड़े से गीले करके इसको रगड़ के इसको साफ़ करना है, और इससे ये क्या आपके फेशियल हेयर भी इससे रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। जब आप ये ड्राई हो जाएगा, थोड़े से हाथ गीले करके आपने हेयर की अपोजिट डायरेक्शन में आप यूज़ करोगे तो इससे आपके फेशियल हेयर भी रिमूव हो जाते हैं, सबसे बड़ा जो इसका फ़ायदा है। सेकेंड थिंग जो सेकेंड है वो है, उसमें आप राइस का स्क्रब बनाएंगे। आपने राइस का जो चावलों का आटा ले लेना है, ठीक है, राइस पाउडर, उसमें मिल्क लेना है आपने, ठीक है। तकरीबन 1 चम्मच अगर आप चावलों का आटा लेंगे, पाउडर लेंगे, राइस पाउडर, तो उसमें थोड़ा सा आप मिल्क ऐड कर लें। इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है। राइस जो क्या होता है, राइस पाउडर जो होता है वो आपके फेस पे जो पिगमेंटेशन हो जाती है, ठीक है, उसको रिड्यूस करता है। दूसरा नेचुरली आपके जो होता है एक्सफोलिएट करता है आपको स्किन को, ठीक है। एक्सफोलिएशन से क्या होता है, जितने भी डेड सेल्स होते हैं आपके फेस पे वो रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। और फिर जो राइस होता है उसमें अमाइनो एसिड्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, जो अमाइनो एसिड्स और विटामिन्स आपकी स्किन को शाइन करते हैं, आपकी स्किन में शाइन लाते हैं, ठीक है। तो जो स्क्रब होता है उसके बहुत फ़ायदे होते हैं, आपकी स्किन को डिटॉक्सिफाई करता है, एक्ने को रिड्यूस करता है। मैंने आपको बताया, जब सब आपकी स्किन से डस्ट वगैरह रिमूव हो जाती है तो आपकी स्किन जो होती है, जो भी आप प्रोडक्ट वगैरह यूज़ करते हो, अच्छे तरह से अब्जॉर्ब करते हैं। मॉइस्चराइज़र वगैरह यूज़ करते हैं, आपकी स्किन को अच्छे तरीके से वो अब्जॉर्ब करती है, और आपकी स्किन क्या होती है, हेल्दी होती है, शाइन करती है, ठीक है। और आपके मसल्स वगैरह रिलैक्स होते हैं। ये जो राइस स्क्रब है ये आपने अपने फेस के ऊपर लगाना है। ये भी आपने थोड़ा सा इसको 5 मिनट तक स्क्रब करना है। 10 मिनट स्क्रब करने के बाद आपने इसको 5 मिनट तक अपने फेस पे लगा रहने देना है, और फिर अपने फेस को आपने पानी से साफ़ कर लेना, ठीक है। सर्कुलर मोशन में आपने करना है। अपनी नेक पे भी आप कर लें, चिन वाले एरिया पे आप करें, और मिल्क के भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, और इसमें जो राइस पाउडर डाला है, ठीक है, उसका भी आपको पता। आपने अच्छे तरीके से, अब घर में मौजूद चावलों को मुझसे इतने अच्छे तरीके से ये पाउडर बना नहीं है, आपने घर में जो चावल होते हैं उसको अच्छे तरीके से ग्राइंड करना है, पाउडर बहुत अच्छा बन जाता है घर में। अगर आप मार्केट वगैरह से नहीं ले रहे तो वैसे मार्केट से भी मिल जाता है। ये मैंने घर में थोड़े से चावल लेके उनको ग्राइंड किया, लेकिन उस तरह से हुए नहीं है, लेकिन ये भी ठीक थे, इतना भी बेटर ही था, लेकिन आप लोग अच्छे तरीके से उसको कीजिएगा। और जिनकी ड्राई स्किन होती है उनको चाहिए कि हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा स्क्रब ज़रूर किया करें। जिनकी ऑयली स्किन होती है वो 2 से 3, ठीक है, हफ्ते में 2 या 3 दिन ज़रूर किया। तो अगर आप ये वाले स्क्रब घर पे नहीं बनाना चाहते तो आप ये वाला स्क्रब यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा है, ठीक है। ये मेरे पास छोटी बॉटल है, बड़ी भी मिल जाती है। ये मैंने 100 की ली है, एप्रिकॉट्स का स्टीबस का है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा, और आपकी कोई भी स्किन टाइप है, ड्राई है, ऑयली है, सेंसिटिव है, आप इस पर यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा।